नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे इक्विटी मार्केट की अपडेट। इक्विटी मार्केट की अपडेट्स को आगे बढ़ाने से पहले हमने आज क्या रणनीतियां बनाई थी, यानी कल की बात करने से पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी की और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या लिए थे, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या लिए थे, कौन से स्टॉक्स को बाय सेल करने कहा था, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। क्या हाई लगा, क्या लो लगा, क्या पोस्ट रहा, क्या बाजार हमारी रेंज में रहा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज के लिए, जो रणनीति बनाई थी उसकी। आज आप लोगों को मैं इनफैक्ट 3 से 4 दिनों से या फिर हफ्ता भर से आप लोगों को कह रहा हूँ, 820 और 860 का एक बहुत पहाड़ सा लेवल खड़ा है निफ्टी के लिए, 10,820, 10,860 का। सपोर्ट लेवल बताए थे आपको 10,750 के, और रेजिस्टेंस 10,820, 10,860। आज का हाई पोस्ट हुआ है 10,879। कुछ समय के लिए ये कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया था, धीरे 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 गया ये। हालांकि आज बाजार ऊपर ही ओपन हुए थे, 820, 830, 840 के आसपास ओपन हुए, फिर धीरे 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 कोशिश किया बाजार ने कि उसको ब्रेक कर जाए, लेकिन वो कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर पाया, टिक नहीं पाया उसके ऊपर। आज का हाई देखिएगा, 10,879 का हाई पोस्ट किया है, हमारी दी हुई रेंज से 19 पॉइंट ऊपर का हाई पोस्ट किया है। और लो देखिएगा, 10,750 का सपोर्ट दिया था, 10,749 का इसने लो पोस्ट किया है, यानी कि रहा है बाजार पूरा हमारी रेंज में सिर्फ ऊपर। आप लोगों को ये भी बताया था अगर 860 को ये ब्रेक करता है तो हो सकता है, कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो 915 तक चला जाए, लेकिन 11,000 तक के लेवल देखना थोड़े मुश्किल है जब तक ये हर्डल इसके बीच में है। कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, कल के लिए इसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 10,900 का और 10,960 का, 10,960 का इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। कल के लिए 10,750 का एक अहम लेवल होगा, कल ऐसा ना हो कि बाजार 750 के नीचे ओपन हो जाए और वो उसके लिए बन जाए रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल होते हैं अगर उसके नीचे बाजार खुल जाता है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगते हैं। तो अभी क्लोजिंग के हिसाब से तो बाजार में ये 750 का सपोर्ट है, अगर ये 750 को ब्रेक करता है तो वापस से इसको सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 10,688, और एक आप लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ 10,620 का, जो आप लोगों को स्क्रीन में मेंशन नहीं होगा। मैं दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस देता हूँ हमारा। अच्छा चलिए, मैजिकल फिगर भी बीच में है, मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 10,640 का। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है, जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा। तो मैजिकल फिगर से आप लोगों को एक चीज की क्लियरिटी रहती है कि बाजार है तेज या फिर बाजार है मंदा। मैंने आप लोगों को, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, उसमें क्लियरिफाई किया था कि मुझे निफ्टी तेज लग रही है और बैंक निफ्टी मंदी लग रही है, और हुआ हूबहू वही। आज निफ्टी तेजी की तरह डायरेक्शन में थी, कंटिन्यूस तेजी की डायरेक्शन में थी, एक बार झटका आया फिर वापस ऊपर खींच के ले चली। बैंक निफ्टी में आप लोगों को बोला था बैंक निफ्टी मंदी, इनफैक्ट मेरा थंबनेल भी ऐसे ही बना हुआ था, क्या निफ्टी में तेजी और बैंक निफ्टी में मंदी, और देखिए बाजार हूबहू वैसे ही रिएक्ट किया है। आज बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट लिए, रेजिस्टेंस लिए थे 22,550 का और 22,666 का। सपोर्ट लेवल लिया था 22,250 का और 22,070 का। आज इसका हाई देखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था अपने 22,666 का, 22,664 का इसका हाई पोस्ट हुआ है। लोअर लेवल में सपोर्ट लिया था 22,070 का, आज लो लगाया इसने 22,028 का, यानी कह सकते हैं बाजार रहा है पूरा 100% हमारी रेंज में। बैंक निफ्टी के मैजिकल फिगर नजर आ रहे हैं 22,120 के, बाजार आज की क्लोजिंग के हिसाब से, आज की क्लोजिंग हुई 22,174 की। अब देखते हैं बाजार किस तरह से खुलता है, बाजार अगर मैजिकल फिगर के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड कराता है तो अब मैं आप लोगों के सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस रखता हूँ। 21,950 का पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, 21,690 का दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 22,250 और 22,550। अब अगर कोई तेजी आनी है अगर बैंक निफ्टी या फिर बाजार में ओवरऑल, तो आप बैंक निफ्टी का ये फिगर याद रखिए 22,550, इसके ऊपर ट्रेड करा के अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तेजी के डायरेक्शन में वापस चलने लगेंगे, नहीं तो मुझे लगता है ये बाजार वापस से थोड़ा सा करेक्शन देगा। तो ओवरऑल निफ्टी का मैजिकल फिगर है 10,640 का, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर बन गया है 22,120 का। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति आज स्टॉक्स। चलिए आपको बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक में हमने क्या रणनीतियां बनाई थी। स्टॉक्स में हमारे पास, हमारी डीपी में कहीं कोई होल्डिंग नहीं थी, तो हम एकदम वीकेंड जो हम लोगों ने व्यतीत किया, हमारे पास 0% की होल्डिंग पड़ी हुई थी। अब बात करता हूँ इंडसइंड, जो आज के स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, इंडसइंड बैंक को बाय करने का था 526 के आसपास, 535 का इसने लो पोस्ट किया,
एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। SBI दूसरा आप लोगों को ICICI बैंक बाय करने कहा था 358 के आसपास, 356 के आसपास। आज थोड़ा सा स्क्रीन में मेंशन करने में थोड़ा फिगर मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ही वहां पर 300 की जगह 500 शेयर कर लिया था, तो एडिटर ने 500 का स्क्रीन में फिगर मेंशन कर लिया था। तो ऐसी दुविधा के लिए, ऐसी प्रॉब्लम के लिए, ऐसी गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। 356 के आसपास बाय करना था, 349.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 368 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। 367 का इसने हाई पोस्ट किया है, 352.50 का लो पोस्ट किया है, 353.60 के आसपास एक क्लोज हुआ है। कल ICICI बैंक एक बार आप एक मिनिमम लॉस में 355-357 के बीच में एग्जिट कर जाइएगा, बाकी बाजार में देखते हैं क्या होता है। इसके लिए आप AMO बिट लगा सकते हैं, 355-357 के बीच की कहीं पर भी आप लोग बिट प्लेस करिए, इसको एग्जिट रेंज मान लीजिए। बाजार अब कैसे खुलता है वो तो अब रात में बाजार SGX चलेगा, फिर नए सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे, नई न्यूज आएंगी, नए डेटा इंपैक्ट करेंगे मार्केट में, उस हिसाब से बाजार डाउ जोन्स चलेगा, US मार्केट, NASDAQ मार्केट, NYSE मार्केट, ये सब चलेगा। उसके बाद थोड़ी रणनीतियाँ और क्लियर होगी कि कल बाजार की ओपनिंग कैसे हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कल निफ्टी हो सकता है शायद 750 के लेवल में, जो आज का लो है वहाँ के आसपास खुल जाए। चलिए दूसरा स्टॉक हमने लिया था इंडिया बुल्स को, 230 के आसपास बाय करना था, 235.60 का लो पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। L&T को बाय करना था 927-923 की रेंज में, 896 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था। आज इसका हाई, इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 944 के, 944.80 का इसने हाई पोस्ट किया है, 925 का लो पोस्ट किया है, 928.15 में क्लोज हुआ है। एक हमारा रूल है कि अगर हमारा स्टॉक टारगेट पे खुल जाए तो हम उस पर एंट्री नहीं करते हैं, तो उस रूल के हिसाब से आज हमने कोई एंट्री नहीं की, आज रूल नहीं तोड़ा, जो पिछले एक दो बार तोड़ा था तो हमें पड़े थे थप्पड़, इसलिए कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो जो हमारे पास अभी होल्डिंग में और जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो सिर्फ ICICI बैंक का हुआ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे कामकाज करेंगे, कूद कूद के बाय सेल नहीं करेंगे, लीवरेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मैं जितनी भी बात करता हूँ ये NSE इक्विटीज की बात करता हूँ, F&O में काम नहीं करता और ना ही काम करवाना पसंद करता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी आप 10 बार 20 बार पैसा कमाएंगे, एक बार ऐसा पैसा खोएंगे कि आपका कमाया हुआ भी जाएगा और घर का भी पूंजी तोड़ के जाएंगे। चलिए, और अगर हम कोई एलोकेशन करते भी हैं कभी ऑप्शंस वगैरह में, तो पोर्टफोलियो का कुछ 2-5% के आसपास एलोकेट करते हैं, ताकि उतनी रिस्क एक इन्वेस्टर के द्वारा ली जा सकती है। चलिए कल कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। RIL अगर कल स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो हो सकता है बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल जाए। 1885-1992 की रेंज में सेल करेंगे, 2000 का एक छोटा सा 8 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 1880 के। अगर बाजार में बाजार मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से चल गया तो हो सकता है आप लोगों को 100 रुपए की नोट 8 रुपए के स्टॉप लॉस से मिल जाए। दूसरा SBI बैंक को सेल करेंगे 194-196.50 की रेंज में, 198.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 190.50 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा TCS को सेल करेंगे 2224-2232 के आसपास, 2251 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 2175 के। चौथा स्टॉक IBUL को 243-245 की रेंज में सेल करेंगे, 247.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 233 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये होंगे हमारे कल के लिए 4 स्टॉक्स। निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लियरिटी एकदम क्लियरली बताया हुआ है, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा ये जो बताई जाती है आप लोगों को लेवल्स, जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, वो आसान लग रहे हैं और वो पसंद भी आ रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों से मैं वीडियो में जो भी बात करता हूँ वहाँ पर उसकी अपडेट्स जरूर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।